क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि को लेकर पिछले 5 जून से श्री श्री राजाधिराज गोरांगो मंदिर चिरकुंडा में राजाधिराज सेवक समिति कीर्तन एवं यज्ञ का आज समापन बड़े ही धूमधाम से किया गया। चिरकुंडा के गोस्वामी पाड़ा में हुए इस कार्यक्रम में समिति के सदस्यों द्वारा 1 माह पूर्व से तैयारियों में जुट जाते हैं और सभी के सहयोग से यह सफल आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी एवं विशिष्ट अतिथि उद्योगपति सह समाज सेवी विनोद अग्रवाल भी उपस्थित हुए। कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समिति के सदस्य अरुण कांति गोस्वामी उर्फ नांटू दा ने बताया कि यह सलोना 24 प्रहर नाम संकीर्तन अधिवास के साथ प्रारंभ हुआ और कुंज भंग के साथ समापत्र किया गया। यह आयोजन आजादी के पूर्व से ही चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों द्वारा यह पूजा प्रारंभ किया गया था, उसी परंपरा को आज भी कायम रखा गया है। क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की कामना के लिए प्रत्येक वर्ष जेठ मास के अंतिम पक्ष को मनाया जाता है, जिसमें बड़ी आस्था के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और महाप्रसाद का ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुनील कुमार गोस्वामी, मानस गोस्वामी, तुषार कांति गोस्वामी, गोवर्धन गोस्वामी, चिन्मय बनर्जी, तन्मय घोष, रवि घोष, स्वरूप गोस्वामी एवं किशन घोष का सराहनीय योगदान रहा। हरिनाम संकीर्तन जग गोस्वामी पाड़ा चिरकुंडा स्थित, इसमें वर्षों से हो रहा है। हम लोग भी बचपन से, हम लोग का पिताजी को भी पूछे, वो लोग बोल रहा है हम लोग देख करके आए हैं। तो उम्मीद कर दीजिए, मान लीजिए गोखले का जब सर्वे सेटलमेंट हुआ 1932 से पहले, उससे पहले ही शायद ये सब हो रहा है। उद्देश्य है ग्राम शांति, मोहल्ला शांति, नगर शांति, चिरकुंडा शांति, पूरा देश शांति। और क्यों तो आपका हरिनाम जिधर भी होगा वहाँ शांति शांति होता है, इसी उद्देश्य है। हम लोग का 5 जून से स्टार्ट हुआ, शाम से 5 जून शाम से गंधर्व अधिवास से शुरू होकर के 6, 7, 8, 9 आज कुंज मिलन से हम लोग का समापन। अभी आज हम लोग यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया है छोटा मोटा, उसमें सभी दरिद्र नारायण जो भी है हम लोग उसको सेवा देंगे।